वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, एन टी एस सी प्रैपरेशन के कंसर्न अज असी एनालॉजी का दूसरा टाइप करांगे, दैट इज़ द नॉन वर्बल एनालॉजी। वर्बल एनालॉजी के बारे में तुहानू पिछली क्लास के समझा दिता सी। नॉन वर्बल एनालॉजी के कुछ फिगर्स होंदियां ने जिन्हों ड्रा करना पॉसिबल नहीं, इसलिए तुहानू ये स्कैन करके बुक तो पी डी एफ की फॉर्म के तो समझा रहा। मैं उम्मीद है तुहानू इहदे नाल समझण दे विच आसानी होएगी। तो एनालॉजी के पहले मैं तुहानू दस्या सी कि कोरेस्पोंडेंस एक रिलेशन हुंदा है दोनों के विच, जिहड़ी प्रॉब्लम दे बेस्ड जिहड़ी एनालॉजी हुंदी है, पेयर ऑफ रिलेटेड फिगर असी देखना है, रिलेशन टू बी एस्टैबलिश बिटवीन टू फिगर। एक प्रॉब्लम फिगर आएगी, एक आंसर फिगर, उन्हां विच असी रिलेशन फाइंड करना होंदा। जिस तरह फस्ट साडे विच टाइप है चूजिंग वन एलीमेंट ऑफ ए सिमिलरली रिलेटड पेयर। सिमिलरली रिलेटड जिहड़े पेयर है उहदे विच असी एक एलीमेंट नूं चूज़ करना है। ये जिहड़ी एनालॉजी की टाइप है इनवॉल्व द प्रॉब्लम कंसिस्टिंग ऑफ फोर फिगर। जिहड़ियां प्रॉब्लम फिगर्स होंदियां उहदियां चार ऑप्शन होंदे ए बी सी डी एंड फाइव और फोर इहदे आंसर होंदे आ। एंड द फिगर ए बी ऑफ प्रॉब्लम सैट रिलेटेड इन ए पर्टिकुलर मैनर ऑफ सिमिलर रिलेशन टू बी एस्टैबलिश्ड बिटवीन फिगर सी एंड डी बाय चूजिंग ए फिगर। सो इहदे विच कुछ दो फिगर का इस तरह का रिलेशन होंदा जिहड़ा आंसर फिगर दे नाल मैच करता है। असी इहनू समझते हैं फिर आसानी होगी करन दे विच। जिस तरह क्वेश्चन है फिगर ए एंड बी, प्रॉब्लम फिगर दियाँ जिहड़ियां फिगर्स ए एंड बी असी ध्यान दे नाल देखनी है। रिलेटेड इन पर्टिकुलर मैनर एस्टैबलिश द सेम रिलेशन बिटवीन फिगर सी डी वाई चूजिंग ए फिगर फ्रॉम अमंगस द फाइव अल्टरनेटिव विच वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन फिगर डी। हुण असी इहदे विच एक प्रॉब्लम फिगर है, ये फिगर जिहड़ी है इहदी जगह ते किहड़ी फिगर आंसर फिगर दे नाल फिट बैठदी है उहदा असी इत्थे आंसर फाइंड करना है। सो चलो कोशिश करदे हां इत्थों समझण दी। इत्थों क्लीयर हो जाता जिहड़ी फिगर ए है रोटेट थ्रू 135 डिग्री टू फॉर्म बी। ए फिगर जिहड़ी है वो जिले 135 डिग्री दा एंगल ते रोटेट कर जाती है। पहले दा ओरिएंटेशन इस तरीके दी है, उहदे बाद फिर जिले ओरिएंटेशन करके इस एंगल ते आ जाती, यानी ये 135 दा एंगल बन गया इत्थे, फिर फिगर बी बन जाती है। सिमिलर रिलेशन जिहड़ा है विल गिव फिगर फोर फिगर सी। जिहड़ी फिगर फोर है वह फिगर सी दे वास्ते रिलेशन देगी, क्योंकि फिगर फोर जिहड़ी है इहदे विच एंगल तुसीं देख सकते हो इस तरीके दा एंगल है। जदों ये भी रोटेट कर जाएगा 135 ते इस तरीके नाल तो फिगर सी आ जाएगी। ठीक है, इत्थों तुहानू क्लीयर है। एंड हैंस फिगर फोर इज़ द आंसर। हुण इहदे च फिगर फोर इहदा आंसर बन जाएगा, तो इत्थे फिगर जिहड़ी है फोर फिट आएगी। इहदा आंसर की आएगा इत्थे फिगर फोर इस तरीके नाल। तो इहदे विच 135 दा जिहड़ा एंगल है वह ऑप्शन लैके इहदे विच चले आ। सिमिलर असी कोशिश करदे हां क्वेश्चन नंबर टू नूं सॉल्व करन दी। प्रॉब्लम फिगर ते आंसर फिगर देखो ध्यान दे नाल। इहदे विच भी डी फिगर जिहड़ी है किहड़ी आएगी इन्हां चार पंज आंसर दे विचों। जिस तरह फिगर ए नूं डिवाइड किया जाए मैनी पार्ट्स एज द नंबर ऑफ साइड इन फिगर टू गैट फिगर बी। जे इहनूं असीं डिवाइड कर दीए चारा हिस्सों तो फिगर बी बन जाती है। दो लाइनस उहदे विच क्रॉस कर दीए इहदे विच साडे कोलों फिगर बी बन जाती है। इस तरीके दे नाल बन गई। सिमिलरली फिगर फोर, जिहड़ी फिगर फोर है विल बी ऑबटेन वेन फिगर सी इज़ डिवाइडेड एज मैनी पार्ट नंबर ऑफ साइड। हुण इहनूं भी जिन्नियां साइड्स है जे इहनां नूं इदां इस तरीके नाल जोड़ दिता जाए तां फिगर साडी किहड़ी फोर बन जाएगी इस तरीके नाल। सो हैंस इहदा आंसर की आएगा इत्थे फोर। डी दी जगह की फिट होएगा फोर, यानी इहदे विच की कीता इहनां ने जिन्नियां साइड्स है उहनां नूं मिला दिता है। जिस तरह ए दियां साइड्स मिला के फिगर बी बन जाती है, इसे तरह फिगर सी दियां सारियां साइड्स नूं मिला के फिगर फोर बन जाती है। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर थ्री। इहदियां प्रॉब्लम फिगर्स चार देखो, चौथा असी फाइंड करना, तीन दित्तियां ते इहनां पंज दे विचों किहड़ा फिट पैंदा इत्थे। सो इहदे 90 डिग्री दे एंगल दी रोटेशन है,
जिस तरह ए जो 90 डिग्री तो रोटेट कर जाती है तो फिगर बी आ जाती है। जिस तरह ए दे विच इस तरीके की फिगर बनी है, जो ये 90 डिग्री तो रोटेट कर जाएगी तो यह 90 डिग्री की बनेगा, इस तरीके 90 का कोण बनेगा इधर, तो ये साढ़े को फिगर बी बन जाएगी। इस तरीके दे नाल असीं इनू जज करते हैं। जिस तरह फिगर सी है, फिगर सी विल गिव द फिगर फाइव, फिगर सी भी 90 डिग्री दे नाल फिगर फाइव देवेगी इस तरीके दे नाल, तां इहदे नाल इत्थे कीड़ी आंसर फिट बैठदा फाइव, यानी इहदे विच कीड़ी फिगर फिट बैठेगी फाइव, यानी सी जदों 90 डिग्री ते रोटेट करेगा फिगर फाइव आएगी। मैनूं उम्मीद है तुहानूं पहली टाइप समझ आ गई होएगी। ये थोड़े प्रैक्टिस दे नाल ही क्वेश्चन आणगे, इहदे विच फिगर्स नूं जिहड़ा जज करन दी जिहड़ी कपैसिटी है उहनूं किस तरह असीं देखते हैं वो मैटर करदी है। नैक्सट, चूजिंग द सैट ऑफ सिमिलरली रिलेटड फिगर, सिमिलरली रिलेटड फिगर्स का सैट देखना। ये हम फिगर का सैट है जिसका पहले एक एक फिगर सी, हूँ ये पूरा सैट है। जिस तरह ये प्रॉब्लम फिगर का सैट है, आंसर फिगर भी सैट के दो दो पेयर से दी हैं, इन्हों चूज़ करनी है जी प्रॉब्लम फिगर के नाल मैच करती है। जिस तरह क्लीयरली इन अननंबर्ड पेयर ऑफ फिगर, फिगर टू हैज़ द सेम नंबर ऑफ साइड एज द नंबर ऑफ एरो इन फिगर वन, सिमिलर रिलेशन इज इंडिकेटेड विद फिगर वन एंड फिगर टू ऑफ फाइव पेयर। हुण इहदे विच असीं की देखना है, जे ध्यान दे नाल देखिए, पहली फिगर जिहड़ी है इहदे विच तीन एरो है ते नाल साडे ट्रायंगल है, रिलेशन बन गया। फिगर टू दे विच चार एरो है ते साडे कोल की बन गया, स्केयर, स्केयर दी चार साइड्स है, बाकी किसी दे विच रिलेशन एस्टैबलिश नहीं हो रहा, क्योंकि इहदे विच चार साइड इत्थे ट्रायंगल है, इत्थे तीन साइड इत्थे रैक्टेंगल है। एरिया देखो तुसीं किन्नियां साइड है, इहदे विच वी रिलेशन नहीं बन रहा। इस तरीके दे नाल साडे कोल जिहड़ा इहदा आंसर बनदा, जिहनूं ध्यान दे नाल देखिए, दैट इज़ द फाइव। फाइव दे विच किहदा आंसर बनदा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच साइड्स है, पाँच एरो आ गए, पाँच फिगर्स बन गई पेंटागनल। इस तरीके रिलेशन बनता, सो यह आंसर क्या आएगा, फाइव। मैं उम्मीद है तुहानूं समझ आ गया होगा, जिहड़ी पेयर दे विच जिहड़ी आपस में फिगर है वह कुछ रिलेशन बना के उन्हें पेयर दे विच बनाया होगा। सो इस तरीके का असी क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, एग्जाम्पल ये देखिए ध्यान दे नाल। जे इन द अननंबर्ड फिगर पेयर, जो देखिए जी फिगर नंबर टू है, इज़ ऑब्टेन्ड बाय लेटरल इनवर्जन ऑफ फिगर वन। ये मिरर इमेज है, जिस तरह के सामने मिरर रखे है, यदा एक दो का इमेज बन रहा। इस तरह असी जो आंसर देखना हो असी फिगर नंबर टू देख सकते हैं, ए मिरर इमेज है, ए भी यदा मिरर इमेज नहीं है, ए भी मिरर इमेज नहीं है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, तो इसलिए सही आंसर की बनता है, टू, लेटरली इनवर्जन हो गई है। सो मैं उम्मीद है तुहानू चूजिंग द सैट ऑफ सिमिलरली रिलेटड जिहड़ियां फिगर्स है तो समझ आ गया होगा। नैक्सट टाइप थ्री, चूजिंग अ सैट ऑफ अनरिलेटड फिगर फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सैट ऑफ फिगर। हुण असी सिमिलर फिगर होणगीआं, सिर्फ असी अनरिलेटड देखणी है जिहड़ी मैच नहीं करदी। ये जिहड़ी टाइप है पिछली टाइप तो उलट है, असी उहदे विच सिमिलर फाइंड कीता सी, इहदे विच उह फाइंड करनी जिहड़ी मैच नहीं करदी। जिस तरह इहदे विच फिगर देखिए, फिगर जिहड़ी टू है हैज़ वन मोर साइड देन फिगर वन। जिस तरह इहदे विच चार साइड है, इहदियां पंज साइड है, इहदे च एक साइड वध है। इस तरह असी जे फिगर नंबर फोर देखिए, फिगर नंबर फोर दीआं किन्नीआं साइड्स है, चार, तो दूसरी दी किन्नी साइड है, पाँच, एक साइड ज़्यादा है। ये जो देखिए सेम रिलेशन साडा ये ओड के हिसाब के नाल फिट बैंदा है। मैं उम्मीद है तुहानूं समझ आ गया होएगा। ये सारी फिगर का सेम रिलेशन है,
पर सिर ये फिगर साडी नंबर फोर है उसका रिलेशन फाइंड नहीं होंगे क्योंकि जे इनू ध्यान दे नाल देखिए इत्थे इहदियां चार है साइड्स इहदियां पंज साइड है इहदियां तीन साइड है इहदियां चार साइड है इहदियां पंज साइड है इहदियां छे साइड है इहदे विच देखो इहदियां पंज साइड है इहदियां चार साइड है यानी जिहड़ी अगली फिगर है उस च एक साइड वध आउंदी है हमेशा इहदे विच नहीं आ रही बाकी सारा सेम है। सो इस तरीके नाल जिहड़ी इह फिगर है फिगर नंबर फोर है वह गलत है क्योंकि ये एक साइड वध होनी चाहिए ही ये एक साइड घट है बाकी सारे दे सेम है। इस तरीके असी क्वेश्चन नंबर टू एग्जाम्पल देखते हैं। क्लीयरली जी अननंबर्ड फिगर है वन रोटेट टू 180 डिग्री 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर जाता है सिर्फ जी फिगर नंबर फाइव न छड़ के। फिगर नंबर फाइव के जी 180 डिग्री की रोटेशन नहीं है बाकी सारे की रोटेशन है ये 180 डिग्री से रोटेट हो गया ये भी 180 डिग्री ये भी 180 डिग्री ये भी 180 डिग्री बट ये जी रोटेशन है 180 डिग्री की नहीं रोटेशन आई इसलिए ओड है तो यह आंसर क्या आएगा फाइव। मैं उम्मीद है तुम्हें समझ आ गई होगी टाइप नंबर थ्री असी हम टाइप नंबर फोर करेंगे चूजिंग द ओड रिलेशन। ओड रिलेशन फाइंड करना है जिस तरह के फाइव फिगर दिखाई हुई हैं टू फिगर इन आउट ऑफ फाइव आर रिलेटेड इन पर्टिकुलर मैनर वी हैव टू सिलेक्ट द पेयर विच डज नॉट शो दिस रिलेशन। वो फिगर जी चूज़ करनी जी रिलेशन शो नहीं करती जिस तरह के इन एच पेयर ऑफ फिगर एक्सैप्ट नंबर टू जो पेयर सैकेंड है इनू ध्यान दे नाल देखिए वन गैट रोटेटेड टू 90 डिग्री टू फॉर्म फिगर टू इनू 90 डिग्री से रोटेट करके यदि ये फिगर बन गई ये भी 90 डिग्री से रोटेट होया ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री पर यह जरा 90 डिग्री से रोटेशन नहीं आई। सो यदा आंसर क्या आएगा टू। इस तरह असी क्वेश्चन टू देखते हैं। क्लीयरली ईच पेयर ऑफ फिगर एक्सैप्ट टू इज़ लेटरली इनवर्टड ए मिरर इमेज है जो देखा जाए ध्यान दे नाल फिगर टू नू छड़ के बाकी सारे जिहड़े मिरर इमेज बन रहे हैं एक दूसरे के सामने शीशा जिदा रखा हुंदा उस तरह इमेज बनते हैं ये तुसीं देख सकते हो पर जिहड़ी फिगर जिहड़ी टू है उहदे विच ये चीज़ नहीं आ रही इसलिए फिगर टू जिहड़ा इहदा आंसर है। नैक्सट टाइप नंबर फाइव डिटेक्टिंग वन एलीमेंट ऑफ ईच ऑफ द टू रिलेटड फिगर दो रिलेटड फिगर है उहदा असी एलीमेंट डिटेक्ट करना है जिस तरह के चार फिगर है इन्हों का आपस के एलीमेंट्स नहीं दते तो आंसर फिगर तुसी देख सकते हो वन एंड फोर के जिथे एरो लगे ने उत्थे असी की फिट करना है असी इन चूज करना आंसर तो जिस तरह असी फिगर वन है पेयर ऑफ सी सी नंबर पेयर नूं ध्यान दे नाल देखिए वेन प्लेस्ड एट पोजिशन वन ये जी जो असी इत इस जगह पर रख दें फिगर ये जी स्केयर या रैक्टेंगल है एंड फिगर फोर ऑफ सी सी की फिगर जी फोर है उन्होंने रख दी है एट फोर पोजिशन सेम रिलेशन फाइंड हो जाता है द रिलेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नंबर ऑफ साइड ऑफ फिगर इनक्रीज बाय वन जिदा ये कह रहा है सी जी फिगर है वो फिगर वन यानी इतने असी फिगर जी रखती है ये रैक्टेंगल इस तरीके एक की जगह पर इस तरह असी इतने एक फिगर रखती दूसरी कड़ी रखी इतने फिगर सैट नंबर फोर जी है बिन प्लेस्ड एट फिगर प्लेस्ड एट पोजिशन फोर ऑफ सैट दिन द सेम रिलेशन बिटवीन वन टू थ्री फोर हूँ यही जी फिगर है सी दी जे सी एन इतने रख दी है
थ्री फोर तो रही है, फोर न थ्री ये जी फिगर है। सो ये रिलेशन आ जाता साइड एक दे डिक्रीज़ हुई है, जिदा इतने साढ़े को आई है चार साइड, नंबर दो ते तीन साइड आ गई है, इतने साढ़िया छे साइड है, तो इतने असी फिट कि कर रहे हैं पाँच साइड वाली, यानी चार तीन चार दिन तीन साइड उस बनी है, छे के बाद पाँच साइड बनी है, यानी एक जी है डिक्रीज़ हो रही है नैक्सट की साइड। सो डिक्रीज़ बाय वन का ये कंसैप्ट लगेगा, मैं उम्मीद है तुहानू समझ आ गया होगा। लास्ट जी टाइप है डिटेक्टिंग द रिलेशन एंड चूजिंग द करैक्ट सबसीट्यूट। रिलेशन देख के असी सबसीट्यूट जो करैक्टली दसना है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कंटेन ये साढ़िया चार फिगर होंदिया ने, चार इहदी आंसर फिगर है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सैट ए फिगर फ्रॉम द आंसर सैट विच सैट बेस्ट सबसीट्यूट द फिगर डी द प्रॉब्लम सच दैट एलीमेंट डी इज़ रिलेटेड टू सी। उन्होंने सबसीट्यूट करना जी इतने डी दे फिट बैठे, जिस तरह के फिगर ए है इज़ वर्टिकली इनवर्टेड टू बी, जिन्होंने इनवर्ट कर दी है वर्टिकली साढ़े को बी आ जाता, उल्टा कर दी है। सिमिलरली जी सी है वर्टिकली इनवर्ट कर दिता जाए बी गैट फिगर टू, सानू फिगर जी टू मिलती है ना कि फिगर डी। सो ये असी फिगर टू फिट करनी है डी की जगह, तो यदा आंसर की आएगा टू, देख सकते हो ध्यान देना। सो प्यारे विद्यार्थियों मैं उम्मीद है तुहानू ये कुछ डिफिकल्ट लगे होंगे क्वेश्चन, बट जे इन्हां नू प्रैक्टिस करिए तो सानू आराम नाल समझ आ जाएंगे। जिहड़ी नॉन वर्बल रीजनिंग है ये सानू प्रैक्टिस दे नाल ही आएगी। सो मैं कोशिश की है तुहानू समझाण दी किस तरह दे विच आइडिया फिट पैंदा है, बड़े आसान क्वेश्चन ने जे असीं इन्हां नू ध्यान दे नाल देखिए, पर इहदे विच पेशेंस लगेगी। तुसीं इन्हां नू लास्ट विच अटैम्प्ट करना है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, पहले तुसीं वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है जिहड़े सीधे सीधे आराम दे नाल सॉल्व हो जांदे हैं। तो धन्नवाद, वीडियो देखने लई मिलांगे किसी होर दिन नवी एक्सरसाइज नवी टाइप दे नाल रिलेटेड टू NTSC। थैंक यू वेरी मच, तो इन्हां क्वेश्चन नू सॉल्व करने की जरूर कोशिश करना।